ओके स्टूडेंट्स टर्न आउट योर पेज अच्छा इस पेज पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें वार्म वेट क्लाइमेट ठीक है कि कैसे गर्म और वेट मींस के बारिश ज़्यादा होती है नमी वाला एरिया और ये पिक्चर आपको दिखाई हुई है हॉट ड्राई क्लाइमेट की ठीक है गर्म और खुश्क एरिया ये रेतली जगह आपको नज़र आ रही है Okay, to get a good picture of the climate of a place, we also have to study the amount of rainfall, the direction and frequency of winds, the amount of water vapor. Uh, water vapor means humidity. ठीक है कि हवा में ह्यूमिडिटी क्या होती है नमी हवा में नमी कित कितनी है एंड अदर फैक्टर्स अच्छा ये एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको किसी भी एरिया के क्लाइमेट के बारे में पता करना हो कि वहाँ पे आबो हवा जो है वो क्लाइमेट कैसा है आबो हवा वहाँ की कैसी है तो उसने आपको बताया कि फोर मैन पॉइंट्स है इसके पहला आप चेक करो वहाँ पे बारिश कितनी होती है ठीक है सेकंड आप चेक करो उसकी डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट है वेस्ट है नॉर्थ है साउथ है थर्ड आप चेक करो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड कितनी है यानी कि हवा हवाएं कितनी शिद्दत से चलती हैं फोर्थ वन आप चेक करो कि वहां पे नमी हवा में नमी कितनी है और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं तो ये जो फ़ोर हैं ये आपने माइंड में रखने हैं कि अगर आपने किसी भी एरिया का पता करना हो कि यार यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है तो आपने ये फोर पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं ठीक है एंड नेक्स्ट देखें द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस बाय मैनी थिंग्स ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेन uh, पॉइंट उसने आपको फोर यहाँ पे आपको बताए हैं अच्छा एक और चीज़ वो आपको बता रहा है हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस दुनिया में बाज एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे uh, पहाड़ बहुत बुलंद हैं बहुत ऊंचे हैं और वहाँ पे पहाड़ों की वजह से बारिश नहीं होती क्योंकि जब बारिश बरसाने वाली हवाएं उस एरिया में जाती हैं तो उनको स्टॉप और या उनका मोशन जो है वो टूट जाता है और जिसकी वजह से वो पहाड़ पहाड़ों की वजह से वो मोशन जब टूटता है तो वो वैसी बारिश जैसी वो बरसा के किसी एरिया में आई है वहाँ पे नहीं बरसाती एक ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है सेकंड वो बता रहा है स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रैन क्लाउड्स टू सम एरियाज़ ठीक है इसी तरह कहता है कि स्ट्रॉग बहुत जो तेज़ बारिश हवाएं होती हैं वो बादलों को एर मतलब मुख्तलिफ एरियाज में लेकर आती हैं हाई अप इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहा है कि पहाड़ हाई अप इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड ये तो आपको पता है ना पहाड़ों के ऊपर ठंड जो है वो ज़्यादा होती है सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी होल्ड कैन बी कोल्ड इफ इट इज़ इन द माउंटेंस एक और चीज़ देखिये मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि इक्वेटर के एर, जो भी कंट्रीज़ हैं इक्वेटर उसमें आती हैं इक्वेटर लाइन के करीब वहाँ पे मैंने आपको बात समझाई थी कि वहाँ पे सर्दी जो है वो कम और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूरज की शुवाएँ बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं लेकिन अगर वो पहाड़ी इलाका है ठीक है पहाड़ हैं वहाँ पे बेशक इक्वेटर जोन में है इक्वेटर एरिया में है लेकिन अगर वहाँ पे पहाड़ हैं पहाड़ की वजह से वो एरिया ऊंचा हो जाएगा और वहाँ पे टम्परेचर जो है वो कम होगा सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्लियर स्टूडेंट्स ये क्लाइमेट के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं ये फैक्टर्स पहले आपने पाकिस्तान के क्लाइमेट को अच्छी तरह रीड आउट करना है देन आपने फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट की चेंजिंग का या क्लाइमेट की तब्दीली का बायस बनते हैं ठीक है क्लियर आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें मैं आपको बता दूँगी थैंक यू